एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले साइंस। पढ़ले साइंस में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप क्या चल रहा है भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ एक नई पोम के साथ। अब यार ये पोम होता है बहुत सरदर्द है ना, तो तुम पोइम बोलो पोम बोलो सेम चीज है, तुम बोल सकते हो। अब जैसे हमारे अमेरिका की इंग्लिश अलग है और बाकी जगहों की अलग है, इंडियन इंग्लिश अलग है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जो मर्जी बोल सकते हो, पोम पोएम, ठीक है। कमेंट्स में बहुत टाइम से आ रहा था कि यार मैम कब से दीदी आप क्या करवाई जाओगे, मतलब राइटिंग हो रहा है, लिटरेचर हो रहा है, तो इसीलिए मैं आज लेकर आ गई हूँ पोम, क्योंकि तुम लोगों ने मांगा था कि मैम अब एक पोएम करा दूँ। हम लोगों ने पहला चैप्टर कर लिया था, अब आ जाते हैं एक पोम पे। माय मदर आज 66 हमारी पोम का नाम है। या मुझे आदत हो गया पोम बोलने की, मैं ट्राई करती हूँ पोएम बोलूँ। पोएम, पोयम नहीं होता, पोएम होता है, पोएम, ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ मैं पोएम बोलूँ, क्योंकि जनरली बच्चे यही बोलते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब आज ये जो हमारी पोएम है, ये है मदर के ऊपर, है ना। माय मदर एट 66, यानी कि मेरी मम्मा की उम्र जब 66 थी, ठीक है। अब ये जो पोएम लिखी है ना, बहुत खूबसूरती के साथ लिखी है, बहुत ही हार्ट टचिंग पोम है, यानी कि दिल को छू जाएगी, थोड़ी सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी कर सकती है अगर तुम लोग शिद्दत से देखोगे तो, वरना तो सब हवा में चला जाता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर ध्यान से इस पोम को सुनोगे, इसके जिस्ट को समझोगे, जिस्ट का मतलब आउटलाइन समरी को समझोगे, तो तुमको लगेगा यार हाँ, फैक्ट तो सही बताया दीदी ने, है ना। अच्छा एक बात बताओ, बातचीत करते करते समझ आ जाएगी पोम? ऐसा नहीं है कि पूरा रीड करना पड़ेगा, पूरा घुसना पड़ेगा थ्योरी में, बातचीत में समझ आ जाएगा। तो तुम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा मेरे पापा बूढ़े हो रहे हैं, उनको ध्यान की जरूरत है, उनके ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए? देखो सच सच बताना मन पे हाथ रख के, झूठ नहीं बोलना इधर। कितनों को लगता है कि मेरी मम्मा मेरे पापा बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है अपने हेल्थ पर, अपने ऊपर? कब से हमारे लिए तो कर रहे हैं। कभी उनसे पूछा कि मम्मी आपने खाना खाया, मम्मी आज आप छुट्टी ले लो, 24/7 अवेलेबल रहते हैं यार मम्मी पापा। पापा को तो ATM समझते हैं बच्चे की, बस पैसे मांगे खत्म, पैसे मांगे खत्म, पापा स्कूल की फीस, पापा ट्यूशन की फीस, पापा फलाना, पापा ढिमकाना, बस पैसे दे दो खत्म। कभी बैठकर पूछे कि पापा आपको कैसा लग रहा है, क्या आप थक गए हो, मतलब यार कब से काम कर रहे हैं, मतलब 40s में तो होंगे तुम्हारे पेरेंट्स, है ना, मिड 40s या फिर लेट 40s में, तो लगता है ऐसा। तो ये जो हमारे पोएटिस हैं कमला दास, इनको अपनी मम्मा को देखकर बहुत ही सॉरी फील हुआ कि मेरी मम्मा बूढ़ी हो रही हैं, वो 66 की हैं और मैं उनका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। यार 60 वाले जो हमारे होते हैं ना लोग, वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, यानी कि उनको ध्यान देने की जरूरत होती है अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, बच्चों को उनका ध्यान देना चाहिए, और हम क्या करते हैं, अपने में ही मस्त हैं एक्चुअल में। तो यहाँ कमला दास थोड़ी सी उदास हो जाती हैं कि मेरी मम्मा बूढ़ी हो रही हैं, आई एम सॉरी कि मैं उनका ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, उनका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। और ये जो एजिंग वाला फैक्टर है ना, ये हमारी थीम है, एजिंग वाला जो फैक्टर है ये हमारी थीम है। एजिंग मतलब बूढ़ा होना, हम लोग धीरे 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 करके बड़े होके बूढ़े ही तो होंगे, तुम जवानी में जा रहे हो तो भाई पेरेंट्स भी तो बुढ़ापे में जा रहे हैं। तो यही चीज, यही फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, ये थीम है हमारी, समझ आ गया बातों में। ये जो थीम है हमारी क्या है, फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, यानी कि एक दिन मेरी मम्मा मुझसे दूर चली जाएंगी और मैं अकेली रह जाऊंगी, एक दिन मैं अकेली रह जाऊंगी और मम्मा चली जाएंगी, यार ये तो दर्दनाक है। तो यही चीज यहाँ इस पोम में समझाई गई है, इतना क्लियर है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है भाई मेरी क्लास में तो आप लोग आजाद हो, यू आर फ्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, भेज सकते हो तुम लोग कॉमेंट्स में कि मैम यहाँ पर दिक्कत आ गई, दीदी ये चीज समझा दो, दीदी ये चीज छूट गई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि आज पढ़ना क्या है। सबसे पहले पोएट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे पोम की, क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, बट वो हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, क्योंकि आई थॉट कि
हम लोग ना ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करते हैं कि कैसे कैसे क्लासेस में कैसे कैसे फीडबैक्स आते हैं, या तुम्हारे फीडबैक पर ही मतलब आगे का काम चलने वाला है। सो मेक श्योर तुम लोग फीडबैक सही से दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिवाइड कर रही हूँ। आज ये दोनों चीजें होंगी। लेक्चर नंबर 2 में मैं क्या कराऊंगी, पोएटिक डिवाइसेस, क्वेश्चन आंसर्स, समरी, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाई क्वेश्चन आंसर्स, और हमारी एक मेगा क्विज हो जाएगी। मेगा क्विज मतलब 15-20 क्वेश्चंस आराम से क्विज की फॉर्म में, ताकि वन शॉट सीरीज बनती रहे साथ साथ, वर्क्स वन शॉट सीरीज बन जाएगी साथ साथ। चले फिर आगे, दी लास्ट लेसन हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब इस पर आ जाते हैं। हमारी पोम है दूसरी, बीच के राइटिंग सेक्शन में भी कुछ कुछ चीजें मिल गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दी पोएट, कि पोएट कौन है हमारी, पोएट पोएटेस आप दोनों बोल सकते हो। तो पोएटेस है हमारी कमला दास, अपने टाइम की ये जानी मानी क्या थी, कवित्री। बिल्कुल हिंदी आ गई मैम की तो, है ना, अपने टाइम की जानी मानी ऑथर रह चुकी हैं, पोएटेस रह चुकी हैं, बहुत कुछ इन्होंने किया है। और ये जो इन्होंने पोएम लिखी है काफी रियलिस्टिक है, हार्ट टचिंग है, सेंसिटिव है। तो इससे पता चलता है कि कमला दास काफी सेंसिटिव इंसान है, काफी सेंसिटिव। सो लेट्स सी, ये रही हमारी कमला दास, दिख गई पिक्चर, कमला दास जी ये हैं, ठीक है। चलो पिक्चर देख ली, रूबरू हो चुके हैं, तो आ जाते हैं कमला दास 1934, काफी पहले यार, मैं भी नहीं हुई थी तब, तो जब कमला दास जी पैदा हुई थी। वॉज बोर्न इन मलाबार केरला, कहाँ पैदा हुई थी, केरला में पैदा हुई थी भाई, खूबसूरत जगह पर पैदा हुई थी, खूबसूरत। सोच लिटरेसी रेट तो और भी ज्यादा खूबसूरत है, लिटरेसी रेट कब सबसे अच्छा है ना हमारे केरला का, इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पढ़े लिखे लोग है, केरला में है। She is recognized as one of India's foremost poets. उनको माना जाता है इंडिया के शुरुआती टाइम के, मतलब वो जो सबसे पहले वाला टाइम होता है ना जिसमें शुरुआत हो रही होती है, उस टाइम की बेस्ट थी, उस टाइम की बेस्ट थी। और एक खास चीज, आज मैं तुम्हारी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाई हूँ कि मैडम दीदी प्लीज वोकैबुलरी नहीं हो पा रही है, तो सॉल्यूशन आ चुका है यहीं पर। या तो मैं इस तरीके से लिख कर लाया करूंगी, नहीं तो इस तरीके से लिख कर लाऊंगी। याद नहीं रहती ना चीजें, मानती हूँ मुझे भी नहीं रहती थी, और इनफैक्ट अभी भी यार मैं मतलब खुद अभी सामने बोल रही हूँ कि मुझे भी वो कैबलरी के लिए लिखना पड़ता है, क्योंकि हर रोज एक नया शब्द आ रहा है यार, हर रोज एक नया शब्द आ रहा है, हर चीज थोड़ी याद रखते हैं, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। सो मेक श्योर कि ये जो लिखवा रही हूँ ना, लिखी हुई चीजें लाई हूँ, मेहनत बर्बाद मत करना यार, मेहनत बर्बाद मत करना, ये लिख लेना, इनकी प्रैक्टिस करना, वो कैबलरी अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। थम्स अप दिखा देना क्योंकि कमेंट्स में देखती हूँ। चलिए, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, यानी कि उनके ओरिजिनलिटी के लिए उनके काम जाने जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल चीजें होती थी। वर्सेटिलिटी यानी कि एबिलिटी टू अडैप्ट और टू बी अडैप्टेड टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, यानी कि ढल जाती थी, कहते हैं ना हर इंसान घुल मिल नहीं सकता, बट ये अडेप्टेबल थी, यानी कि हर जगह घुल मिल सकती थी। एंड द इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और अपनी मिट्टी के लिए ना कुछ लोगों को होता है कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ की हूँ, तो वो उनके उसमें लिखने के ढंग में, उनकी नॉवेल्स में, उनकी पोम्स में, उनके चैप्टर्स में हर जगह हाईलाइट होता था। क्या होता था, हाईलाइट होता था। इतना सबको क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चा यही बता देंगे, ठीक है भाई। चले फिर आगे, चलो चलते आगे, ठीक है, मैंने सारी चीजें बता दी तो आगे आ जाते। कमला दास हैज पब्लिश मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, काफी सारी नॉवेल्स इन्होंने पब्लिश करी हैं और काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश और मलयालम में लिखी हैं। अंडर इन्हें माधवी कुटी के अंडर इन्होंने काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है इंग्लिश और मलयालम में। लिखने का शौक ही अलग था इनका, है ना, लिखने का शौक ही अलग था। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977.
एक उन्होंने नॉवल लिखी थी अल्फाबेट ऑफ लास्ट 1977 में, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज 1992 इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। 5 बुक्स पोएट्री पर लिखी और काफ़ी सारी इन्होंने अलग से नॉवेल्स भी लिख रखी थी, यानी कि एक्चुअल में लेखिका थी, एक्चुअल में एक ऑथर थी, एक पोएट थी, काफ़ी कुछ इन्होंने अचीव किया था अपने टाइम में। यहाँ तक क्लियर है? चलो आ जाते हैं आगे। हाँ आई नो, पोएट के बारे में काफ़ी कुछ दिया है, तुम्हारी बुक में से ही लिया है। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटी, सटलिटीज यानी कि बारीकियाँ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। हमारी जो कमला दास जी हैं वो ना सेंसिटिव हैं, थोड़ी इमोशनल हैं, भावुक तरीके की लेडी हैं, तो इन्होंने ना ह्यूमन रिलेशनशिप्स यानी कि हमारे जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उनकी बारीकियों को इस पोम के थ्रू समझाया है। वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बारीकियों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और ये जो हमारी माई मदर एट 66 पोइम है, ये लिरिकल ईडियम ही है, यानी कि पूरा एक थॉट प्रोसेस बताया गया है कि कैसे मैं अपनी माँ को देखते हुए क्या सोच रही हूँ, कैसे मैं अपनी माँ को देखते हुए क्या सोच रही हूँ, ये चीज़ हमको यहाँ समझ आएगी। काफ़ी बता दिया यार, थीम पर आ जाते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बता दो कमेंट्स में कि क्या बताया था। आई होप होश में देख रहे हो, स्क्रीन छोटी करके व्हाट्सएप चलाते हुए नहीं देख रहे हो, इतना तो भाई विश्वास कर सकती हूँ, इतना तो कर सकती हूँ। तो क्या है हमारी फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, एंड सेपरेशन, और क्या है एजिंग, उम्र भी तो घट रही है भाई, है ना, उम्र भी तो घट रही है यार, अपने मम्मी पापा का ध्यान रख लो, अब तक तुम लोगों को वही बाल पोस कर बड़ा करे हैं, आगे भी वही करेंगे, उनके ऊपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट तुम भी तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्या घिस जाएगा, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर दो कुछ करने में। पापा को कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो भाई उनका ध्यान रख लो, उनके खाने पीने का, पैर दबा दिया करो, हाथ दबा दिया करो, जब देखो पैसे मांगते रहते हो कि दे दो बस दे दो, कुछ देना भी सीख लो, रिटर्न भी तो करना सीखो, है ना। अब ये मत कहना कि मैम प्लीज़ पढ़ा दो, पढ़ा रही हूँ, बट ये चीज़ें भी आनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज अच्छी होंगी तभी तो जाने जाओगे। चलो चलते हैं थीम पर। माई मदर एट 66 एड्रेसेस द फियर ऑफ लॉस, ये रही पहली थीम, एंड सेपरेशन दैट कम्स विद ग्रोइंग ओल्डर, तीनों मैंने यहाँ पर बता दी। When the poet sees her mother aging, she goes through a mix of emotions and feels the pain of separation at the prospect of losing her. हमारी पोइट को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि एक दिन मेरी मम्मा मुझसे दूर चली जाएंगी, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी, सच ही तो है, एक दिन तुम में से ना, मतलब तुम में से नहीं तो यार मेरे में से कोई कोई ना कोई तो चला जाएगा, जाएगा ना, दुनिया में आए हैं तो भाई अमर तो नहीं है, जाएंगे तो सही, गारंटेड जाएंगे, अभी नहीं तो बाद में जाएंगे। शी इज फीलिंग गिल्टी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू केयर फॉर हर मदर इन हर लेटर इयर्स, वो गिल्टी फील कर रही है, वो सॉरी फील कर रही है कि आई एम रियली सॉरी मम्मा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ तुम्हारे बुढ़ापे में। यार अब यहाँ पर मुझे एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट लगती है, हमारे समाज में कहा तो जाता है ना कि यार बेटियां वैसे भी ध्यान नहीं रख पाती, क्यों, क्योंकि उनकी तो शादी हो जाती है, बेटियां ससुराल चली जाती हैं, तो यार अगर ये माना भी जाए तो बेटे तो हैं, बेटे ध्यान रख लें, चलो नहीं मान लिया कि भाई लड़कियां ध्यान नहीं रख सकती, बट बेटे तो रख सकते हैं ना, बेटे तो रख सकते, तो ध्यान तो रखना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं, जैसे आप होम में कर रहे हैं, पर ये सोशल साइंस की क्लास नहीं, हम डिबेट नहीं कर सकते, इंग्लिश की क्लास है, तो ध्यान रख लिया करो। यहाँ पर पोइट कह रही हैं कि पोइटस का कहना है कि मैं अपनी मम्मा का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रही हूँ, ठीक है। पोम पर आ जाते एग्जैक्ट, ठीक है, पोम में काफ़ी सारे तो नहीं बट एटलीस्ट 3 या 4 पोइटिक डिवाइसेस हैं जो कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी, सो थोड़ा टेंशन फ्री होकर देखना, आज ही सब नहीं मिल रहा है, दूसरे लेक्चर में भी देख सकते हो। लेक्चर नंबर 2 में क्या होगा वो अभी बता देती हूँ, पोएटिक डिवाइसेस करवाऊंगी,
वन शॉट रिविजन टाइप्स ले सकते हो तुम उसको, उसको सेव कर लेना अपनी प्लेलिस्ट में। पोएटिक डिवाइस इज समरी इन शॉर्ट, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अभी करा दूंगी भाई, क्यों मुझे पता है ट्वेल्थ के बच्चे जो हैं हमारे वो बहुत महान है, बहुत ही ज्यादा महान है। उनको चाहिए कि भाई साल जब खत्म होने वाला हो, जब हमारे पेपर हो तभी मिले वीडियोस, अभी तो देखनी नहीं है, बता दो ये नहीं है सोच। तो तुम में से गिन के 5% बच्चे होंगे जो चाहते हैं कि अभी से पढ़ना शुरू कर दे, बाकी तो सब हवाई गेर में चल रहे हैं कि नहीं पेपर जब आएंगे तभी पढ़ेंगे, उससे पहले क्या करने पढ़ के। तो उनको तो नहीं कह रही मेरे को, जिनको पढ़ना है उनको बता देती हूँ। PYQs भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी, और मेगा क्विज, यानी कि 10 या 20 कुछ क्वेश्चंस, 15 से 20 मान लेते हैं, क्विज की फॉर्म में आएंगे ताकि भाई प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। और एक सजेशन चाहिए कि क्या आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस पे एक क्लास चाहिए, किसी को इंग्लिश ऑनर्स लेनी हो बाद में, फ्यूचर के लिए तो सोचोगे ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, तो इंग्लिश ऑनर्स किसी को लेनी हो तो पोएटिक डिवाइसेस, पोएट्स कौन कौन रहे हैं अभी तक के हमारे, ऑथर्स कौन कौन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BHU में, IPU, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो उनमें आपसे पूछा जा सकता है। तो पोएटिक डिवाइसेस पे चाहिए हो क्लास तो आप लोग कॉमेंट्स में पोएटिक डिवाइसेस लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अब यहाँ पर पोएटिस कह रही हैं, कमला दास जी कह रही हैं कि मैं जब अपने मम्मी पापा के घर से, अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी ड्राइव करते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कोचिन, कोचिन के एयरपोर्ट पे जा रही हैं, यानी कि घर से जाकर कहीं और जा रही हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मेरे साइड में मेरी मम्मा बैठी थी, मेरी साइड में मेरी मम्मा बैठी थी। डोज ओपन माउथ, डोज यानी कि झपकी लेना, ऐसे कुछ लोग होने जाते हैं। अच्छा तुम में से कितने लोग कार में सोते हैं, मतलब बस कार में बैठो और फैल गए, बिल्कुल एकदम बढ़िया नींद आ गई, पता ही नहीं चला कब डेस्टिनेशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रही हूँ फरीदाबाद से मनाली, भाई रास्ते में मैं ऑलमोस्ट 6-7 घंटे सोई, फिर खाना वाना खाया, फिर सो गए, फिर सो गए। ऐसे है कोई यहाँ हमारे यहाँ बीच में महान इंसान, कोई महान मनुष्य है जो ऐसे करता है कि हाँ मैम ये तो हर घर की कहानी है। तो यहाँ पर इसकी मम्मा, ये हमारी कमला दास जी नहीं, इनकी मम्मा साइड में एकदम ऐसे मुंह खुला होकर आ करके ऐसे सो रही हैं। इस तरीके से सोते हुए वो देखती है अपनी मम्मा को। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स यानी कि लाश, एशन यानी कि पेल ग्रे कलर, नहीं होता ऐश का, राख, राख पता है ना जो इंसान को जलाने के बाद बनती है या फिर लकड़ी को जलाने के बाद बनती है, वो जो ग्रेश ग्रेश कलर का टोन होता है वो राख जैसा उनका चेहरा लग रहा है और उनकी बॉडी लाश जैसी लग रही है। यार बड़ी गंदी इमेजिनेशन है इसकी, मतलब मम्मी साइड में सो ही तो रही हैं, ऐसे कैसे इमेजिन कर रही है ये कि मम्मी की बॉडी एकदम लाश की तरह लग रही है। मे बी उसकी मम्मा 66 की हैं, कमला दास जी की मम्मा 66 की हैं, इसीलिए वो ऐसा इमेजिन कर पा रही हैं, क्योंकि भाई बूढ़े लोगों का शक्ल ढल जाता है, बूढ़े लोगों का चेहरा ढलता है, रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन थोड़ी सी लटक जाती है, लूज स्किन हो जाती है, पिंपल और एक्ने का तो पता नहीं है फिलहाल मुझे। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और एकदम से ना मतलब ऐसे एकदम सोचा और एकदम से ख्याल आया कि अरे मम्मी बूढ़ी हो रही हैं और जितनी वो बूढ़ी हो रही हैं उतनी बूढ़ी वो दिख रही हैं, और एकदम से ना मतलब उसने डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने आप को कि नहीं नहीं कमला इस बारे में नहीं सोचना है। उसी वक्त उन्होंने उसी पल में एकदम से अपने आप को हटाया ध्यान से, मतलब इस सोच से कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, मम्मी उठ जाएंगी, मम्मी को मेरा रोता हुआ चेहरा दिख जाएगा, छुपाने तो पड़ते हैं ना यार आंसू, मम्मी के आगे क्यों रोएं, है ना। तो मम्मी बूढ़ी हो रही हैं यहाँ पर इसको एहसास हुआ। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, पेड़ भागते हुए देखे, पेड़ भागते हुए देखे नहीं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, पोएटिक डिवाइस। तो मैंने एकदम से खिड़की से बाहर देखा, कार की खिड़की से, और मुझे क्या दिखा, मुझे जवान पेड़ भागते हुए दिखे, मुझे जवान पेड़ भागते हुए दिखे। The merry children spilling, merry यानी कि खुश,
मुझे खुश वाले यानी कि हंसी खिलते हुए चेहरे दिखे बच्चों के। खुश, एक सेकेंड यार। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पिलिंग यानी एक स्पिलिंग होता है बिखेर देना, ऐसे ग्लास में से पानी किसी के मुंह पे फेंक दिया, और एक होता है फैल जाना, ऐसे बिखर जाना। ठीक है, तो बच्चे बिखर रहे थे अपने घर से बाहर, यानी कि बच्चे खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, पर एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी चेक था, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मेरी मम्मा यहाँ खड़ी और मैं इतनी दूरी पर खड़ी हूँ, ऑलमोस्ट मतलब फ्यू यार्ड्स अवे आई वॉज स्टैंडिंग, मैं वहाँ खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक और बार उनकी तरफ देखा, मैंने एक और बार उनकी तरफ देखा। वैन यानी कि फीका, पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक। उनका चेहरा, उनका पूरा हुलिया विंटर मून की तरह एकदम पेल फीका दिख रहा था। तुम लोगों ने सर्दियों का चांद देखा है, आधी भाग दिखता ही नहीं है, और जब दिखता है तो एकदम फीका, कलरलेस, सफेद सफेद, थोड़ा ग्रेश ग्रेश दिखता है कि मतलब उसकी खूबसूरती खत्म हो गई हो। तो वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा था, और वो देखकर उसे एक फेमिलियर सा दर्द हुआ। किसको? कमला दास जी को दर्द हुआ, एक फेमिलियर सा, जाना पहचाना सा। माई चाइल्ड हुड फियर, मेरे बचपन का डर, मेरे बचपन का डर एकदम से मेरे आगे आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज, पर मैंने सिर्फ एक चीज कही, मैंने सिर्फ एक चीज कही, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बट मैंने सिर्फ एक चीज कही, सी यू अम्मा, तुम्हें जल्दी ही देखती हूँ, जल्दी ही मिलती हूँ। और मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यहाँ पर पोम खत्म हो जाती है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो कमेंट सेक्शन में, यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बता सकते हो कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और या मुझे मैम की आदत है क्योंकि बाकी बच्चे मतलब कुछ कुछ मुझे मैम बोलते हैं, बट दीदी भी चलेगा, तुम लोग तो दीदी बुलाते हो, तो बता दो दीदी को कोई डाउट है, नहीं तो हम लोग एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं। शॉर्ट लेक्चर्स दे दूँ यार अभी, क्योंकि बच्चे मुझे लगता नहीं है कि 50-50 मिनट वाली वीडियोस देखना प्रेफर करेंगे, तो तुम्हारा भला कर रही हूँ, तुम मेरी मेहनत तो वेस्ट ना करो, देख लिया करो। फिर एंड मोमेंट पे भागते भागते आओगे, मैम इसका भी करा दो, मैम उसका भी, मैम उसका भी, जबकि अभी सारी चीजें मिल रही हैं। तो हमारी ऑथर कौन है, आई मीन पोएट, कमला दास। ठीक है, ये हम लोगों ने पोएट का कर लिया। अब हमारा इसमें थीम क्या है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। थीम क्या है, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। ठीक है, और दूसरा फैक्टर हम बता सकते हैं एजिंग वाला। पोएटिक डिवाइसेस तो, आई एम सॉरी, पोएटिक डिवाइसेस तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करने वाले हैं, शॉर्ट वीडियोस होंगी सारी। ज्यादा टेंशन नहीं लेने की, मैम बहुत लंबी वीडियो दे दी कौन देखेगा, शॉर्ट वीडियोस है, क्विज के बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, कमेंट्स में देखने वाली हूँ कि किसने पूरी देखी, क्योंकि क्विज भी है और वो एंड में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस पोम के पोएट का नाम क्या है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। फटाफट से क्विकली, नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम ऑफ द पोएम इज फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, एजिंग, हैप्पीनेस, बोथ ए एंड बी। क्विकली जल्दी से बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तीन ही क्वेश्चन है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं लाई हूँ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट डू टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे थे हमारे पोएट को, उन्होंने अपना दिमाग दूसरी तरफ करने के लिए क्या किया, माइंड को डिस्ट्रैक्ट या फिर डाइवर्ट करने के लिए क्या किया। डिस्ट्रैक्ट यानी कि ध्यान भटकाना, डाइवर्ट भी बोल सकते हैं यानी कि चेंज करना। हो गया भाई सबका, चले आंसर्स पे, चलो भाई चलते हैं। फर्स्ट है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम,
शेक्सपियर नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नो, कमला दास। आंसर है हमारा थर्ड पार्ट। आंसर क्या है? थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थीम ऑफ द पोम इज फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। और दूसरा क्या है? एजिंग भी है भाई। तो आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? फोर्थ हो गया आंसर। फोर्थ हो गया। क्या हुआ आंसर? फोर्थ हो गया। ठीक है, ये है हमारा आंसर। लास्ट, व्हाट डिड द पोएट डू टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स? स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द विंडो। उसने बाहर देखना शुरू किया। उसने बाहर देखना शुरू किया। ठीक है, खत्म हो गई आज की क्लास, इतनी ही थी। अच्छा, मुझे कोई फीडबैक सजेशन चाहिए। आप लोगों के समर वेकेशन होते हैं? मुझे याद नहीं है यार, मेरे हुए थे कि नहीं हुए थे जब मैं 12th में थी। बहुत साल हो गए, बहुत साल। तो आई डोंट रिमेम्बर मेरे हुए थे वेकेशन के, नहीं हुए थे। तो तुम बता दो तुम्हारे समर वेकेशन होते हैं, सो दैट आई प्लान समथिंग फॉर यू। हॉबी क्लासेस की तरह कुछ करना चाह रही हूँ, तो बता दो कि हाँ इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। कुछ नया सीखने को मिलेगा उसकी तो गारंटी है, बट तुमको बताना पड़ेगा कि तुमको किस किस चीज़ की नीड है। टाइम बीइंग मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ना स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाए, तो अगर तुम बताओगे तो ऑब्वियसली फॉर श्योर मैं स्पोकन की क्लासेस शुरू करवा दूंगी। फ्लुएंसी अच्छी चाहिए ना अपने को, दैट वी वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंटली। वी नीड टू गेन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस चाहिए ना। वी नीड टू इनहेंस आर पर्सनैलिटी, बूस्ट अप आर कॉन्फिडेंस बाय स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, इतना कर सकते हैं इतना। तो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस सोच रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। कमेंट्स में इंटरेस्टेड लिख देना और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मेक श्योर कि आप लोग लिख दो। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये नहीं होगी, सिर्फ आपको क्लासेस दे दी जाएंगी नॉर्मल लिटरेचर, ग्रामर, ग्रामर की तो है नहीं, राइटिंग की और लिटरेचर की क्लासेस दे देंगे, खत्म। तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना, फीडबैक मेक्स अ मैन परफेक्ट ये आजकल चलने लग गया, क्योंकि प्रैक्टिस तो तुम लोग कर नहीं रहे हो। फीडबैक दे दो, मैं तुमको परफेक्शन की तरफ ले जाऊंगी। चलो चलते हैं, सेशन को ओवर करते हैं। रिवाइज करने की आज सच नीड नहीं है, हम लोग अगले सेशन में कर लेंगे, वो भी मैं ही करा दूंगी। ठीक है, तुम रिलैक्स करो। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।